स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो डेरिवेशन किया दैट इज अबाउट डिस्क, बराबर है। अभी डिस्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे हमने रिंग का किया वैसे हम डिस्क का करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला तो लर्न करना ही है, बाकी के फॉर्मूले लर्न करके फायदा नहीं, उसको डिराइव करना है उसी को मार्क्स है, ओके। तो एक फॉर्मूला अपने को लर्न करना है। तो हमने ये प्रूव किया लास्ट लेक्चर में कि डिस्क के सेंटर से जो एक्सिस जाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसका फॉर्मूला क्या है, mr2/2। कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला, mr2/2। ये किसके लिए, अबाउट डिस्क, और एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। फॉर्मूला क्या, i = mr2/2। फॉर्मूला क्या, i = mr2/2, ठीक है। और फिर वो किसी पे भी एक्सेस रख देगा और आपको पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, बाकी तो न्यूमेरिकल्स में करेंगे। एक्सेस एज ए टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यू कैन सी दिस इज अ टेंजेंट और प्लेन को परपेंडिकुलर, नीचे डॉटेड है ना बच्चों, डॉटेड का मतलब क्या, प्लेन को परपेंडिकुलर है। अभी वो कहां से पास हो रही है, ओ से। ये वाली एक्सिस कहां से पास हो रही है, सी से। दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है, आर। इसका वैल्यू अपने को पता है ना, i = mr2/2। इसका फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, आंसर है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूं बच्चों, mh2। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखा ना, h का वैल्यू r सब्स्टिट्यूट करो, ic का वैल्यू मुझे पता है जो सेंटर से जा रहा है, सेम जैसे रिंग में किया वही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। mr2/2 प्लस mr2, तो बताओ कितना आएगा, 3/2 mr2। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। नेक्स्ट वाला देखो, एक्सिस अलोंग दी डायमीटर। डायमीटर का याद कर मैंने क्या बोला था, हमेशा दो डायमीटर लेना म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिंग वाला जो पहला लेक्चर डाला था ना वो देखो, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया मैंने। तो सबसे पहले आपने को दो डायमीटर लेना है और दोनों डायमीटर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। कितने डायमीटर लेंगे बच्चों, दो डायमीटर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक एक्स एक्सिस पे जा रहा है और एक वाई एक्सिस से, और बीच में से जाता है सेंटर से, ठीक है। तो इसके अलाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं आई एक्स, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं आई वाई, और ये आई जेड। तो जैसे मैं ड्रॉ करता हूं आपको समझ में आ जाता है सर, परपेंडिकुलर एक्सिस से हमसे सॉल्व करोगे। अभी बच्चों आई एक्स और आई वाई ये दोनों डायमीटर है, बराबर कि नहीं, आई एक्स और आई वाई दोनों डायमीटर लिया, तो उसको मैं आई डी बोलता हूं। परपेंडिकुलर एक्सिस से हम क्या बोलते हैं, आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई। अब मुझे बताओ आई एक्स और आई वाई आई डी है, तो आई डी प्लस आई डी, इसका आंसर 2 ID आएगा। तो बताओ डायमीटर का आंसर क्या आएगा, iz/2। iz मतलब जो एक्सिस सेंटर से जा रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसका फॉर्मूला क्या है, mr2/2। तो mr2/2/2, 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो फॉर्मूला आएगा mr2/4। तो मिल गया आंसर, समझ रहे। तो कितने डायमीटर रहेगा, तो हमेशा कितने, 2 axis लेंगे, याद रहेगा सबको। डायमीटर रहेगा तो कितने एक्सिस लोगे, 2 axis, एक दोनों भी डायमीटर का लो और दोनों डायमीटर इक्वल रहेंगे, मतलब आई एक्स और आई वाई का वैल्यू आई डी रहने वाला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। एक्सिस अलोंग टेंजेंट इन द प्लेन, तो एक्सिस इन द प्लेन, अच्छा वो किसको पैरेलल रहता है, याद करो डायमीटर, बराबर है। और ये डिस्टेंस जो है गारंटेडली h = कितना है, r। तो जिसको फाइंड करना है उसको क्या नाम दिया, o, जो अपने को पता है सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, उसका नाम क्या रखा है, पॉइंट का c। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ic, और ये जो है जहां पे मेरे को फाइंड करना है वो io। बात समझ में आ रहा है, मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सिस अलोंग टेंजेंट। तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इन द प्लेन, टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया, इन द प्लेन, और वो पैरेलल टू द लाइन व्हिच इज नथिंग बट द डायमीटर। तो मुझे बताओ पैरेलल एक्सिस से हम से io = ic + mh2 ये लिख सकते हैं। IC अभी डायमीटर है बच्चों, मानते हो कि नहीं, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी निकाला है।
एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर, तो एलसीएम आते हैं फोर वन जा प्लस वन दैट इज फाइव एम आर स्क्वायर बाय फोर, इतना तो आना चाहिए. ओके तो ये क्या हो गया आपका आईओ. इजी. तो देखो आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस से सॉल्व करना है कि परपेंडिकुलर, आराम से एक्सिस की पोजीशन देखो और हमें क्या पता है वो फाइंड करो. हमें पता है एक ही फॉर्मूला, तो उससे ये सारे फॉर्मूले हमने क्या किए, डिराइव किए खुद से. ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा. एक कहानी में ट्विस्ट सुनाता हूं, कहानी में ट्विस्ट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे नहीं, बोलेंगे एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर. और क्वेश्चन सुन लो क्या पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या पूछेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन इसका, या फिर किसी भी पॉइंट, किसी भी एक्सिस कहां पे रहेगी. और हम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, अभी रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं. बहुत सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को एक बार मिल गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को अपने मिल गया और अपने को अभी रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है. सिर्फ आई के बदले आपको डालना है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फॉर्मूला. ठीक है, याद रखो बच्चों, मतलब यहां पे मैं अगर एम के स्क्वायर डालता हूं तो एम आर स्क्वायर बाई टू है ना, आई के बदले मैंने एम के स्क्वायर डाला, एम एम कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो के हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और यहां पे रूट टू, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है. समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेंगे. ठीक है, चलो अभी ऐसा बोला फाइन रेड, अभी इसका क्वेश्चन क्या था, फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस एज ए टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पर अभी क्वेश्चन रहेगा फाइन रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द टेंजेंट, एक्सिस अलोंग द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर प्लेन. तो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, तो टेंजेंट नहीं गया, क्या बोला आई नॉट, मतलब इनर्शिया के बदले हम क्या डालेंगे, एम के स्क्वायर. बात समझ में आ रहा है, सिर्फ आई के बदले एम के स्क्वायर डाल दो, यहां तक सारे स्टेप सेम रहेंगे. आई के बदले एम के स्क्वायर डाल दो, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, बच्चों एम एम कैंसिल हो जाएगा तो के का आंसर क्या मिलेगा, रूट लोगे तो ये थ्री बाय टू हो जाएगा और आर स्क्वायर का रूट क्या है, आर. बात समझ में आ रहा है, अभी बोला फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, क्वेश्चन सुनना, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस एक्सिस अलोंग द डायमीटर, ये तो करना ही पड़ेगा. अभी रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है तो आई के बदले अपन क्या डाल सकते हैं, एम के स्क्वायर है ना, आई के बदले अपन क्या डाल सकते हैं, एम के स्क्वायर, और यहां पे क्या बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय फोर, एम एम कैंसिल तो के इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर गया तो रूट बनेगा, आर स्क्वायर का रूट क्या है, आर, एंड फोर का रूट क्या है, टू. समझ लो, इसका पूछा तो सेम करो. तो ये ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन में पूछ सकते हैं, ये एक प्रश्न है, बट ऐसे नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, रेडियस ऑफ गायरेशन उनकी मर्जी, जो पूछना है यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दिस कि क्या पूछ रहे. ठीक है, और बहुत एग्जांपल है, बिल्कुल टेंशन मत लो, नहीं समझा एक दो बार कोशिश करो, इसके आगे वाले लेक्चर में मैं यही पढ़ाने वाला हूं, हर बॉडीज को अपन स्टडी करेंगे. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे बॉडी को लेके आता हूं मैं. थैंक यू वेरी मच.